हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज टारगेट JRF में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जैसे कि आज मैं जस्ट अभी अपनी इंडस्ट्रियल विजिट से आया हूँ, बट मुझे बहुत सारे मैसेज मेरे स्टूडेंट्स ने किए कि सर आज का डोज नहीं मिला है, आज कोई हमने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है इस करके। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको मैं नोट्स दे चुका हूँ PDF फॉर्म में, बहुत सारा मटेरियल मैंने आपको साथ में शेयर किया है, आप उसको पढ़ते रहिए। बहुत बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मैं जब बाहर होता हूँ मुझे भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा। कभी कभी आप रात को मैं आता हूँ, कभी कभी 2-3 दिन लग जाते हैं, कभी 1 वीक भी लग जाता है। तो प्लीज़ मैं आपको लोगों को यहाँ पर सजेशन दूँगा कि मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, बट आप लगातार पढ़ते रहिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रोज़ वीडियो बना के आपको के साथ में शेयर करूं, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं बन पाता है। तो प्लीज़ आप पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई उस दिन आप पढ़ाई नहीं करेंगे या उस दिन वेट करेंगे कि हाँ मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगा, एक टॉपिक तो हो ही जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। प्लीज़, आपका JRF मेरे लिए बहुत ही मैटर करता है, आप मुझसे जुड़े हुए हो एज ए स्टूडेंट। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट जो जुड़ा हुआ है उसका JRF क्लियर हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप कंसिडर करेंगे। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्शन दिया हुआ है कि नेचुरल गैस इज़ ए वेरी अट्रैक्टिव इको फ्रेंडली फ्यूल। दोस्तों, जब मैंने एक और वीडियो सर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पे बनाया था उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि आपका लॉजिक बहुत मैटर करता है यहाँ पे। जैसे कि एक क्वेश्चन था आपका सोडियम कंटेंट पे कि सोडियम कंटेंट हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ इन ओशन, एंड उन्होंने उसका एक रीज़न दिया था। तो उस पर एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर आपने जो टेबल दिया है उस टेबल में तो क्लोराइड का लॉन्गेस्ट लाइफ है। तो दोस्तों, आपको ना क्वेश्चन समझना है कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है और क्यों पूछा है। उस क्वेश्चन में एग्जामिनर का मोटिव केवल इतना था कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सोडियम का जो लाइफ टाइम है ओशंस में वो ज़्यादा होता है, उसका एक उन्होंने एक रीज़न दिया। जब हम दोनों सेंटेंस को मैच करते हैं, सर्शन और रीज़न को मैच करते हैं, तो वो बिल्कुल सही बैठता है कि सोडियम का लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, बिकॉज़ वो ना सेडिमेंट में इनकॉर्पोरेट होता है और ना ही वो आपके फूड चेन में आता है, ना इसको ऑर्गेनिज्म खा पाते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो लॉजिक बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं था कि किसका लॉन्गेस्ट टाइम है। एग्जामिनर ने सीधे सीधे आपसे एक चीज़ कही कि भाई सोडियम बहुत लंबे टाइम तक ओशन में रहता है, इसका रीज़न ये है। बस क्वेश्चन भी सही था, लंबे टाइम तक रहता है, और जो रीज़न दिया था वो भी सही था। तो लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, वो चाहता क्या है आपसे, ये चीज़ देखना चाहता है कि उसका स्टेटमेंट सही है या गलत है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, या आपका लॉजिक देखना चाहता है कि आप कैसे उन दोनों सेंटेंस के बीच में एक लिंक जो है वो इस्टेब्लिश कर पाते हो। असर्शन और रीज़न क्वेश्चन इसलिए गजब के होते हैं क्योंकि उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, लॉजिक, इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज, सारी चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती हैं, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जैसे इन्होंने दिया है, इन्होंने कहा है कि नेचुरल गैस इज ए वेरी अट्रैक्टिव इको फ्रेंडली फ्यूल, ये असर्शन दे दिया। इसका रीज़न क्या दिया है इन्होंने, इट प्रोड्यूस फ्यू पोल्यूटेंट एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट एनर्जी
देन एनी अदर फॉसिल फ्यूल्स ऑन कम्बशन. कम्बशन जब आपका कम्बशन होता है तो उस टाइम पे जो नेचुरल गैस है वो बहुत ही कम CO2 पर यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होगी, इस चीज़ की नॉलेज होगी, तभी आप ये चीज़ कर पाएंगे. अगर केवल आंसर की बात मैं करूँ तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बट यू मस्ट नो हियर कि कौन सा ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो सबसे ज़्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कौन सा कम करता है. जब आपको ये चीज़ पता होगी कि कम्बशन पे कौन सा आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है और कौन सबसे कम कर रहा है, तो आप ईजिली इस क्वेश्चन को हिट कर पाओगे. तो यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है. तो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग आपको टेबल दी हैं. इसमें आपका एक टेबल में अगर पहली टेबल की बात करो आप, तो जितने भी आपके फ्यूल्स हैं उनका CO2 रिलीज मोल पर 10^3 किलो जाउल दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि गैस का सबसे कम है और कोल का सबसे ज़्यादा है. तो जब ये चीज़ आपको पता होगी, आपको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे. वहीं पे दूसरी टेबल मैंने दी हुई है, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे कि केजी CO2 पर किलोवाट आर में इन्होंने दी हुई है, नेचुरल गैस का सबसे कम है और वुड का सबसे ज़्यादा है. तो इस टाइप की छोटी छोटी जानकारी, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आपको होनी चाहिए. जब आपको इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको पता होता कि नेचुरल गैस का जो CO2 पर यूनिट एनर्जी है वो सबसे कम है, तो आप एकदम से ऑप्शन ए ही लगा दोगे. इको फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि CO2 इमिशन सबसे कम है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि कोल से, पेट्रोलियम से पहले हम नेचुरल गैस बर्न करें और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करें. तो मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लॉजिक और नॉलेज. इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए नॉलेज लगातार इकट्ठे करते रहो, प्रेजेंस ऑफ माइंड और लॉजिक तब बनेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे. हर क्वेश्चन को उसी एंगल से सोचो जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लिंक है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं तो क्यों गलत हैं. इस टाइप से सोच सोच के, थोड़ा सा सोच के अगर आप ये क्वेश्चन करोगे ना, तो ज़िंदगी में कभी भी असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप. अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. दूसरा क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है, बायोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सीलेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम विच इज सस्टेनेबल एंड कैन फुलफिल ऑल ह्यूमन नीड. पहले मैं रीजन पढ़ देता हूँ एक बारी. द साइज एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द बायोस्फीयर इज लिमिटेड बाई अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन. अगर आप असर्शन को ध्यान से पढ़ोगे, इन्होंने एक सेंटेंस दिया है, कैन फुलफिल ऑल ह्यूमन नीड. क्या ये पॉसिबल है? आपके दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए. ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड हैं, ह्यूमंस लगातार अपनी नीड को बढ़ाते जा रहे हैं, और अब जो हम कर रहे हैं, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट. हम बायोस्फीयर को डिग्रेड कर रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि बायोस्फीयर आपकी सारी नीड, ह्यूमन बीइंग की सारी नीड को फुलफिल नहीं कर सकता. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारी नीड को फुलफिल करे. वो बेसिक नीड को फुलफिल कर सकता है,
बट जो ग्रीड आ गई है जिसमें हम लगातार हर रिसोर्स को एक्सप्लोइट करते जा रहे हैं, डिग्रेड करते जा रहे हैं, ओशन से सारी मछलियां हमने खा ली हैं, सारे फॉरेस्ट को काट के हमने फर्नीचर बना लिए हैं, वी आर जस्ट डिग्रेडिंग द बायोस्फीयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सर्शन ए जो है वो गलत है, बायोस्फीयर कभी भी ह्यूमन की सारी नीड को फुलफिल नहीं कर सकता, वो रिन्यूएबल है, वो अपने आप में जनरेट हो जाता है बट एक लिमिट तक, जब आप उसे डिग्रेड करोगे, ख़त्म कर दोगे तो वो अपने आप को रिजनरेट नहीं कर पाएगा। तो आपका सर्शन ए पॉइंट जो है वो गलत है। जो दूसरा आपका रीज़न दिया हुआ द साइज़ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द बायोस्फीयर इज लिमिटेड, वो लिमिटेड है बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर न्यूट्रिएंट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी असर्शन इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो बच्चे इस टाइप से दोस्तों आपने लॉजिकली सोच के क्वेश्चन को सोल्व करना है। आज आपको 5 मिनट लगेंगे, फिर धीरे धीरे 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, और अल्टीमेटली वो टाइम आ जाएगा जब आप बहुत ही क्विकली लॉजिकली सोच पाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लॉजिक, तीनों चीज़ें लगाओगे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बच्चे सजेशन हमेशा की तरह वही है दोस्तों कि आप लगातार पढ़ते रहिए। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ऐसा नहीं है कि जितने में वीडियो अपलोड नहीं करूँगा आपने नहीं पढ़ना है, अपने आप से पढ़ना है, अपनी ज़िम्मेदारी लो कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, इसको काम नहीं हैबिट बनाइए पढ़ने को। जब आप पढ़ने को हैबिट बना लेंगे तब आपको ये बोझ नहीं लगेगा। सभी लोग बिजी हैं, सभी लोगों के पास में बहुत काम है, सभी लोगों के पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, मैं मान लेता हूँ, बट जस्ट जैसे कि आप बाकी काम करते हैं 1-1.5 घंटा पढ़ने के लिए भी निकाल लो। रोज़ पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से। तो प्लीज़ लगातार पढ़ते रहिए, मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं लगातार वीडियो, रोज़ एक वीडियो एटलीस्ट अपलोड करूँ, बट इसके अलावा भी आपने पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।